हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल. वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगी. इस क्वेश्चन में हमको 4 पार्ट्स गिवन है और इन 4 पार्ट्स में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करना है कि जो गिवन पार्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है. एंड इफ दे आर कंसिस्टेंट तो हमें इन ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करना है. तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में से पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है. वी कैन फाइंड द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट विद द रेशियोज ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट. तो विल डू द पार्ट वन. फॉर द पार्ट वन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको रेशियोज फाइंड करने पड़ेंगे. तो हम लिखेंगे यहाँ पे After comparing, that is very important line. बच्चे इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है. तो ये बहुत important line है, ठीक है. After comparing the given equation with a1x plus b1y plus c1, ये ना standard form है linear equation with two variables की. And a2x plus b2y plus c2. तो देखिएगा ये सारे उसके लिए कॉमन होगा, तो मैं अगेन अगेन नहीं लिखूंगी. आप लिखते हैं हर पार्ट के साथ आपको लिखना पड़ेगा. तो ए वन इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी वन जो हो जाएगा वो आपका 1, एंड द सी वन इज 5. ओके, एंड ए टू इज इक्वल टू आ जाएगा 2, बी टू आ जाएगा अगेन 2, एंड सी टू आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम राइट साइड में लाएंगे ना, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. सो विल फाइंड ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 कितना आएगा हमारा 1/2. ओके, नाउ b1 अपॉन b2 दैट इज ऑल्सो 1/2, एंड c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा -5/-10, तो दैट इज ऑल्सो 1/2. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2. और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने वीडियो अपलोड किया, उससे भी आप देख सकते हैं कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन द लाइन्स आर को इंसिडेंट. तो लाइन्स क्या होंगी, ये द लाइन्स आर को इंसिडेंट. सो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन केस होगा, इसमें मैनी सोल्यूशंस होंगे. जब मैनी सोल्यूशंस होते हैं तो अब हमें इन्होंने बोला कि अगर ये कंसिस्टेंट भी होगा, ध्यान रखिएगा यूनिक सोल्यूशन और मैनी यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं. तो या तो इधर हम इसे को इंसिडेंट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस बोल सकते हैं, या फिर को इंसिडेंट बोल सकते हैं. तो हमें इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. तो मैं अभी आपको शो करूंगी कि इसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. इससे पहले मैं पार्ट टू के लिए और चेक कर लेते हैं. हम सारे पार्ट्स का पहले चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगी, ठीक है. तो हम पार्ट टू के लिए चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा पार्ट टू का. पार्ट टू में a1 क्या है हमारा 1, b1 क्या है -1, एंड c1 क्या है -8, और a2 कितना है विद इक्वेशन 2-3, b2 कितना है -3, एंड c2 कितना है -16. तो देखिएगा a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आएगी -1/-3 विच इज़ 1/3, एंड नाउ c1 अपॉन c2 -8/-16 विच इज ऑल्सो हाफ. यस, सो इन दिस सिचुएशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, एंड दैट कंडीशन इज फॉर द पैरेलल लाइंस, मीन्स नो सॉल्यूशन. जब लाइंस पैरेलल है तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ना, कोई भी पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं होगा. और जब भी कोई भी पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी. और जब कहीं पे भी मीट नहीं करते हैं वो लाइंस कैसी होती हैं, वो हमेशा पैरेलल होती हैं. जो लाइंस कहीं एक दूसरे को मीट नहीं करती है तो वो पैरेलल होती हैं. सो द लाइंस आर पैरेलल और वी कैन से नो सॉल्यूशन, ठीक है, और वी कैन से इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना. तो इनकंसिस्टेंट का तो हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना, तो अभी हमें सिर्फ पार्ट वन का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है. तो पहले मैं पार्ट वन का ग्राफ प्लॉट करती हूँ, फिर थर्ड और फोर्थ को हम चेक करेंगे. मैंने यहाँ पे इक्वेशंस जो फर्स्ट पार्ट की इक्वेशंस हैं वो लिख लिए, और हम अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सम पॉइंट्स ऑन द गिवन इक्वेशंस. तो हम पहले वाली इक्वेशन को या तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्स और आइदर इन द फॉर्म ऑफ वाई हम लिख लेते हैं. तो वी कैन राइट लाइक 2y इज इक्वल टू 10-2x और y इज इक्वल टू 10-2x अपॉन 2. हम इसका टेबल बना लेते हैं और इस पर कुछ
पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिएगा हम कैसे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स वाई, तो अगर मैंने एक्स क्या रख दिया, जीरो रख दिया, तो वाई फाइव आ गया। एक्स लेटर सपोज मैंने टू पुट कर दिया, तो टेन माइनस फोर अपॉन तो सिक्स थ्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, फाइव रख दिया अगर एक्स की वैल्यू, तो जीरो आ गया। तो दैट इज़ फॉर इक्वेशन वन। अब ऐसे सिमिलरली इक्वेशन टू के लिए भी हम प्लॉट कर लेते हैं। तो इक्वेशन टू को मैं वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसके लिए भी ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, एंड वी विल फाइंड सम पॉइंट्स ऑन इट ऑल्सो। तो एक्स को मैंने ज़ीरो रखा तो फाइव आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं तो फोर आ गया, एक्स की वैल्यू टू पुट करते हैं तो थ्री। तो देखिएगा हमारे जो पॉइंट्स हैं ना वो सेम पॉइंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे टू मतलब यहाँ पे ना सारे ही पॉइंट सेम होंगे, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि जो लाइंस है ना वो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट में सारे पॉइंट सेम होते हैं। तो हम फिर भी ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम इसका। तो देखिएगा ग्राफ, एक रफ में ग्राफ आपको स्केच करके दिखा रही हूँ, आप अपने आप भी इसका ग्राफ ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, और आपको ग्राफ पेपर बहुत ग्राफ पे कैसे करते हैं वो अच्छे से आ जाएगा। तो ज़ीरो अप्रॉक्सीमेशन में भी ले लेती हूँ मैं, ठीक है, आप मेजर करके भी ले सकते हैं। ये वन वन सेंटीमीटर मैं अप्रॉक्सीमेट ले रही हूँ, ठीक है। नेगेटिव में भी ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स, हालांकि हमारे कोई भी पॉइंट नेगेटिव में शो नहीं किए हमने, ठीक है। तो माइनस टू माइनस थ्री, तो अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये एक्स हो गया आपका, एक्स डैश वाई, वाई डैश, ये कभी भूलना नहीं है हमको, स्केल भी कभी लिखना नहीं भूलना, स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केल देखिएगा क्या हम यहाँ ले रहे हैं, वन वन का ही ले लेते हैं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट, एंड ऑन वाई एक्सिस वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्स जीरो एंड वाई फाइव, तो दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ एक्स टू एंड वाई थ्री, तो एक्स टू है हमारा और वाई थ्री है, तो ये बना लेते हम, तो ये आ गया। एंड द थर्ड इज एक्स फाइव, तो ये आ गया। तो ये फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ओके, ये हमारी लाइन वन होगी, वी कैन सी ओवर हेयर दैट इज अवर लाइन वन। एंड नाउ वी कैन ऑल्सो ड्रॉ दैट इक्वेशन टू। इक्वेशन टू के लिए देखिएगा जीरो जीरो कॉमा फाइव वाला जो पॉइंट है, द सेम पॉइंट इज हेयर, टू कॉमा थ्री इज सेम इज हेयर, एंड वन कॉमा फोर जब हम करेंगे ना तो वो भी यहीं पे इसी लाइन पे आएगा। तो वी कैन सी ओवर हेयर द बोथ द लाइन्स शो, इफ वी रिप्रेजेंट बोथ द लाइन्स देन दे शोज द सिंगल लाइन, क्योंकि इसके सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट्स होंगे ना इस लाइन पे, दे ऑल आर कॉमन फॉर बोथ द लाइन, सो दे आर कोइंसिडेंट, इसी वजह से कोइंसिडेंट है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 भी यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और x प्लस y इज इक्वल टू 5 भी सेम ही लाइन, क्योंकि बिकॉज दे आर सेम लाइन्स, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, और ये मेनी सोल्यूशन केस है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन इज अ सोल्यूशन पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसका सोल्यूशन वो पूछते हैं कि क्या सोल्यूशन होगा, तो ईच पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ लाइन सॉरी, इज अ सॉल्यूशन पॉइंट। तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट का आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया है। अब हम इसके बाद हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं, और थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी अगर हमारा क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, तो उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ वी स्टार्ट विथ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आएगी विद द सेम प्रोसेस, a1 इज 2, b1 इज 1, c1 इज -6, एंड A2 is 4, B2 is -2, and C2 is equal to -4. A1 upon A2, 2 upon 4, which is half, B1 upon B2 is equal to 1 upon -2, so -1/2, and C1 upon C2 is equal to -6/-4, which is equal to 3/2। तो हम यहाँ देख सकते हैं A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। हमें मतलब numerical value तो same है, but यहाँ पे जो sign different है, तो हम A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, ठीक है। तो ये जब A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 होता है, तो यूनिक सोल्यूशन होता है। हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के साथ साथ हम इसे कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। हमें पता है कि या इधर मैनी सॉल्यूशन हो या फिर
वन सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कंसिस्टेंट के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, तो अभी इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. मैं फोर्थ वाला और चेक करके आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं हम फोर्थ वाला. फोर्थ भी हम पार्ट कर लेंगे तो फिर हम इकट्ठा देख लेंगे ग्राफ. ठीक है, फोर्थ पार्ट के लिए भी हम देख लेते हैं. तो ए वन कितना है, टू है. बी वन कितना है, माइनस टू है. सी वन कितना है, दैट इज ऑल्सो माइनस टू. एंड ए टू इज इक्वल टू फोर, बी टू इज इक्वल टू माइनस फोर, एंड सी टू इज इक्वल टू माइनस फाइव. नाउ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू टू अपॉन फोर विच इज इक्वल टू हाफ, एंड बी वन अपॉन बी टू माइनस टू अपॉन माइनस फोर विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ, सी वन अपॉन सी टू टू माइनस टू बाई माइनस फाइव मीन्स टू बाई फाइव. तो आप यहाँ देख सकते हो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मीन्स पैरेलल लाइंस वाला केस है. ठीक है, जैसा कि हमारा सेकेंड पार्ट में भी था, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. तो ये कौन सा केस है हमारा, पैरेलल लाइन है, इनकंसिस्टेंट है, कोई भी सॉल्यूशन पॉइंट नहीं होगा, और इसके लिए हमें इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करना है. तो हमें केवल अब सेकेंड पार्ट का ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाना है. तो देखिए हम सेकेंड पार्ट का ग्राफ प्लॉट करते हैं. देखिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम सेकेंड पार्ट का. मैंने ग्राफ के लिए लाइंस ड्रॉ कर ली हैं. सबसे पहले हमें पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे. तो अभी हम पहले पॉइंट्स फाइंड करेंगे फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका. तो देखिएगा इक्वेशन वन जो थी आपकी 2x प्लस इक्वेशन वन, तो क्या इक्वेशन वन थी, 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. तो y इज इक्वल टू वी कैन राइट 6 माइनस 2x. तो इस पर अगर हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो क्या पॉइंट्स आएंगे, बहुत इजीली वी कैन फाइंड द पॉइंट्स x, y. अगर x 0 है तो y 6 है, x अगर 1 है तो 1 पे 4 आ जाएगा, x अगर 2 है तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना. 2 इंटू टू माइनस तो 6 का 4. अब इक्वेशन 2 के लिए भी सेम हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं. इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो हमारी आएगी 4x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 और x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 अपॉन 4 और वी कैन राइट y प्लस 2 अपॉन 2. तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर ले. अब इस पे पॉइंट्स फाइंड करके दिखाती हूँ मैं आपको कि पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे. बहुत इजीली वी कैन फाइंड सम पॉइंट्स ओवर देयर. तो देखिएगा ये इजी इक्वेशंस हैं, इनका ग्राफ प्लॉट करना भी बहुत इजी है. तो देखिएगा अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो पुट करती हूँ तो एक्स की अगर मैं माइनस टू पुट कर देती हूँ तो एक्स जीरो आ जाएगा. ठीक है, वाई की वैल्यू अगर मैं क्या पुट करती हूँ, जीरो पुट कर देती हूँ तो एक्स वन आ जाएगा. अगर y की वैल्यू मैं क्या पुट करती हूँ यहाँ पे, लेट अस सपोज मैं 2 पुट कर देती हूँ तो y की वैल्यू 2 कर देती हूँ, 2 प्लस 2 4 बाई 2 यानी कि 2 आ जाएगा. तो 2 कॉमा 2 इज अवर सॉल्यूशन पॉइंट. हम यहाँ देख सकते हैं कॉमन सॉल्यूशन पॉइंट है 2 कॉमा 2. ठीक है ना, तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा. स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हम बार बार आप लोगों को यही बता दूँ कि स्केल लेना बहुत ज़रूरी है. अगर स्केल करेक्ट ही होगा तो अभी स्केल हम 1 1 का ही लेंगे. मैं अभी लिखती हूँ स्केल के लिए, पहले पॉइंट्स ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -1 -2 -3 और 0. तो स्केल हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस. तो देखिएगा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज ऑल्सो 1 यूनिट. ठीक है, तो देखिएगा पॉइंट्स क्या है हमारे, एक्स 0 एंड वाई 6. तो दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट, एक्स 1 एंड वाई 4. तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा पॉइंट. एंड द थर्ड पॉइंट इज 2, 2. तो दैट इज अवर सॉल्यूशन पॉइंट. तो दैट इज द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द इक्वेशंस. ठीक है, तो दैट इज दिस इज द 3 पॉइंट्स फॉर द रिप्रेजेंट आवर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हमारे. तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है. नाउ विल ड्रॉ द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन देखना आप कैसे कर सकते हैं. इसके जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, 0, -2. तो x 0 है और y -2 है. तो ये हो गया 1 और 0. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट एंड द थर्ड इज सेम.
2.2, तो ये भी हम ज्वाइन कर लेते हैं और इससे भी हमें क्या मिल जाएगा, अपना सेकेंड लाइन बन जाएगी। तो देखिएगा ये जो थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट का ग्राफ है क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट आया था और इसमें यूनिक सॉल्यूशन था, तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन है 2.2 इज़ द यूनिक सॉल्यूशन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू इज ऑल्सो 2, तो दैट इज़ अवर सॉल्यूशन फॉर पार्ट 3, बिकॉज हमने इसको इसलिए ग्राफ को प्लॉट किया क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट आया था। ओके, सो फ्रेंड्स होपफुली आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।